हेलो गाइस, ये 320D2 है कैट एक्सावेटर। इसमें प्रॉब्लम ये है, डीजल पंप है उसमें से डीजल बहुत काफ़ी लीकेज हो रहा था। तो हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि डीजल पंप कैसे खोलें और कैसे फिटिंग करें और इसका टाइमिंग क्या है। तो आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको पता चलेगा इसका पंप कैसे फिटिंग करते हैं, इसका टाइमिंग क्या है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पंप खोलने से पहले अगला टाइमिंग प्लेट खोलना पड़ता है। पहले इसका फैन वन खोल लें, फैन खोलने के बाद वाटर पंप खोल लें, वाटर पंप खोलने के बाद टाइमिंग प्लेट भी खोलना पड़ता है। टाइमिंग प्लेट खोलोगे तो उसके अंदर 3 बोल्ट दिए होते हैं, पंप के बाहर नहीं लगे होते हैं। टाइमिंग प्लेट खोल के उसके अंदर होते हैं बोल्ट, वो 3 बोल्ट लॉक बोल्ट खोलने पड़ते हैं। जब इसका पंप बाहर आता है तो हम इतना पाइप वाइप खोल लेते हैं इसका। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और इसका टाइमिंग भी बताएंगे, टाइमिंग कैसे मिलाएं। दोस्तों, इसका फायरिंग ऑर्डर आप लोगों को पता नहीं होगा, इसका फायरिंग ऑर्डर भी बताऊंगा। दोस्तों, हमने दूसरा पंप लिया है, पुराने वाला पंप खोल दिया और हम ये पंप रिपेयरिंग हो के आया था, हम इसको फिटिंग करेंगे। इसका फायरिंग ऑर्डर 153624 है, 14 15 36। इसमें क्वार्टर नहीं होता गियर में, ऐसे ही रहता है बगैर क्वार्टर का। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने टाइमिंग प्लेट पूरा खोल दिया हुआ है और पंप फिटिंग करने के लिए पहले आप क्या करें, इसमें ओरिंग है लगाया, वो हल्का सा एनाबोंड लगा लें। दोस्तों, और भी वीडियो पड़ी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसका टाइमिंग ये होता है, जो क्रैंक होता है, क्रैंक मेन शाफ्ट होता है, उसके क्रैंक में एक होल दिया होता है, उस होल में एक 17 नंबर का बोल्ट डाल दें तो वो इंजन पूरा आपका लॉक हो जाएगा, तो वहीं आपका टाइमिंग एक्यूरेट हो जाएगा। तो हमने वो वीडियो थोड़ा मिस हो गया, तो उसमें आप क्रैंक शाफ्ट जो होता है उसमें एक होल दिया होता है, उसमें बस 17 का बोल्ट डाल देंगे और इंजन घुमाएंगे तो अपने आप लॉक हो जाएगा इंजन। और पंप लगाते समय पंप का फायरिंग चेक कर लें, एक पे है कि नहीं, एक पे पंप का फायरिंग हो रहेगा और वहाँ से हो जाएगा, नहीं तो वहाँ से अगर नहीं मिला पा रहे हैं तो आप पिस्टन को टॉप पर ले सकते हैं, टॉप से 2 mm डाउन रहेगा पिस्टन टॉप से हो। तो दोस्तों, ये बोल्ट का सेंटर, ये जो पंप का गियर होता है आइडल गियर, उसके अंदर भी 3 बोल्ट दिए होते हैं, इसके अंदर लगता है बोल्ट। पहले 22 नंबर का नट खोलना पड़ता है और फिर वो 3 बोल्ट खोलने पड़ते हैं पंप के, जब ये पंप बाहर आता है। तो टाइमिंग मिलाने के लिए क्रैंक का तो बता दिया, क्रैंक मेन शाफ्ट में एक होल दिया होता है, उसमें 17 नंबर का बोल्ट डाल के टाइमिंग चेक कर लें।
अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो पिस्टन को टॉप लेके टॉप पूरा टॉप पे आने के बाद 2 mm हल्का डाउन कर लें पिस्टन को, फिर आपका टाइमिंग एक्यूरेट आ जाएगा। सही से और नीचे होना सही से तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये पंप एक वोल्ट यहाँ पे है, एक यहाँ है और एक यहाँ। अगर टाइमिंग आपका एक्यूरेट आ जाएगा ना तो आपका ये सेंटर भी आ जाएगा बोल्ट का। तो हम इसको पंप को फिटिंग कर दिए, अब सिर्फ टाइट करना है तो हम फटाफट टाइट कर देते हैं इसको।